ऋषिराम, जिक्रोम एंड क्यूरेम, इनको बनाया है एटेनेटस ने। अब क्यों, कैसे और कब, ये तो हम लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा। बाय द वे, इस वीडियो के लिए एम करते 1K लाइक्स का, आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि डायनसी एंड जिराजी, इनमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? देन अगर आपको नहीं पता इनमें सिमिलर क्या है, तो ये भी एटेनेटस का एक पार्ट है। वो कैसे, वो हम लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा। तो बेसिकली हम लोग को ये पता है कि पहले एक सिंगल ड्रैगन पॉकीमॉन हुआ करता था, जिसको ऑयसन ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। एंड यही वो पॉकीमॉन था जिसने यूनिवर्सन को बनाने में हेल्प करी थी। लेकिन फिर जो वहाँ के प्रिंस थे, ये लोग आपस में लड़ने लगे कि ये ऑरिजिनल ड्रैगन पॉकीमॉन आखिरकार किसका होगा। तो इस ड्रैगन पॉकीमॉन ने खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एंड वो दोनों पॉकीमॉन थे ऋषिराम एंड जिक्रोम। लेकिन जब वो डिवाइड हुए तो वह क्यूरेम एक रेसिड्यू यानी कि बचा हुआ एक पार्ट रह गया। लेकिन अगर हम लोग पॉकेडेक्स देखें तो ऐसा कहा गया है कि क्यूरेम अ काइंड ऑफ एलियन पॉकीमॉन है और वो स्पेस से आया है। वेल बेसिकली हम लोग इधर से ये पता लगा सकते हैं कि क्यूरेम एंड ऑरिजिनल ड्रैगन कहीं ना कहीं तो रिलेशन रखती है, कि क्यूरेम भी एक तरीके का रेसिड्यू पार्ट है, यानी कि बचा हुआ पार्ट है ऑरिजिनल ड्रैगन का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑरिजिनल ड्रैगन के बारे में भी हम लोग को यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। तो एक मीटियोर क्रैश होने के बाद ही ये पॉकीमॉन वर्ल्ड में आया था। तो इसका मतलब ऑरिजिनल ड्रैगन भी एक मीटियोर क्रैश होने के बाद आया था पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर। और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसा कहा गया है कि 20,000 साल पहले ही वो मीटियोर गिरा था, एंड उसी कारण से यूनिवर्सन भी बना था। एंड याद करो, एटेनेटस भी 20,000 साल पहले ही आया था पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर। अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि ओरिजिनल ड्रैगन एंड एटेनेटस कुछ ना कुछ तो कनेक्शन पक्का रखते हैं। लेकिन अब हमें ये प्रूफ करना है कि एटेनेटस ने ही ओरिजिनल ड्रैगन को बनाया है, या फिर एटेनेटस का ही एक पार्ट है ओरिजिनल ड्रैगन। जेन 5 में अगर आपको रेलिक आइटम्स याद है, तो उनमें से एक रेलिक आइटम था रेलिक स्टैचू, जो काफ़ी हद तक सिमिलर था डायनसी जैसा। पर डायनसी को जेन 5 में ही आखिरकार हिडन वे में रिवील क्यों कर दिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती थी? डायनसी के पॉकीडेक्स एंड ओरिजिन से हम लोग को ये ऑलमोस्ट सभी आंसर मिल जाते हैं। तो पॉकीडेक्स के अकॉर्डिंग डायनसी एक कार्बिंग हुआ करता था। ये दोनों ही काफ़ी सिमिलर लगते भी है, एंड इनकी मूव सेट भी काफ़ी हद तक सिमिलर भी है। लेकिन आखिरकार उस कार्बिंग में ऐसे क्या चेंजेस आ गए कि वो डायनसी बन गया? तो एज वी नो कि कार्बिंग की बॉडी कार्बन से बनी होती है, एंड एक सही अमाउंट पे कार्बन को अगर हीट और क्रिस्टलाइज किया जाए तो उसके बाद कार्बन डायमंड बन जाता है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस मीटियोर गिरने से ही होते हैं, एंड हाँ बहुत सारे इसके मॉडर्न मेथड्स भी है। लेकिन तब भी सोचो, मॉडर्न मेथड्स बहुत साल पहले कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मीटियोर गिरने का। तो मीटियोर गिरने से एटेनेटस एंड ओरिजिनल ड्रैगन की तो याद आई ही होगी, बिल्कुल याद आई ही होगी इसकी। तो अब थोड़ा बहुत तो कंक्लूजन हम लोग को नजर आ ही रहा है। और पॉकीमॉन एक्स एंड वाई की सनडाइल तो हम लोगों को कुछ ऐसी डायमंड शेप दिखाई गई है वहाँ पे, जो डायनसी के डायमंड शेप से एग्जैक्ट सेम है। और कुछ NPCs वहाँ पे, यानी कि नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, ऐसा कहते हैं कि वो सनडाइल स्पेस से आया हुआ है। अब कोशिश करते हैं हम लोग सभी कुछ कनेक्ट करने का। डायनसी जैसा दिखने वाला एक सनडाइल, एंड वो सनडाइल आया स्पेस से, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन दिख ही रहा है। तो जहाँ पे सनडाइल की लोकेशन है एग्जैक्टली वहीं पे एटेनेटस का मीटियोर क्रैश हुआ होगा, एंड जितने भी कार्बिंग उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके डिज़ाइन क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के कारण डायनसी के डिज़ाइन में चेंज हो गई होगी। और जो सनडाइल वहाँ पे आया है उसका रिलेशन मेगा स्टोन से भी है। प्रोफेसर सिकामोर ने हम लोग को ऐसा कहा है कि मेगा स्टोन सिर्फ और सिर्फ सनडाइल की मदद से ही चमकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाओ ट्रियो की, यानी कि ऋषिराम, जिक्रोम एंड क्यूरेम की। तो हमें पता है कि विशिंग स्टार्स एटेनामैक्स एटेनेटस के ही पार्ट है। तो यही वो विशिंग स्टार्स है जो काफ़ी सारे लेजेंडरी एंड मिथिकल पॉकीमॉन को एग्जिस्टेंस में लाए हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉकीमॉन है जिराची एंड टाओ ट्रियो, और साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं डायनसी भी। डायनसी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, अब इनके बारे में बात करते हैं। जिराची हर 1000 साल में एक बार मीटियोर शावर के दौरान आता है, एंड ये मीटियोर शावर एटेनामैक्स एटेनेटस के ही विशिंग स्टार से होती है। और जब जिराची 1000 सालों के लिए सोया रहता है, तब उसके शेप एग्जैक्टली उस कैलोस के सनडाइल जैसा दिखता है। तो वो स्पेस से एटेनामैक्स एटेनेटस के साथ ही यहाँ पे आया है। एंड जो ऑरिजिनल ड्रैगन था जिससे ऋषिराम, क्यूरेम एंड जिक्रोम अलग हुए हैं, वो भी विशिंग स्टार का ही एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। वहीं से ऑरिजिनेट हुए ये लोग भी। सो या इतने पॉकीमॉन्स एक साथ कनेक्टेड थे,
एंड किसी न किसी वजह से इनका कनेक्शन भी हम लोग को दिख रहा था, बस हम लोग जान नहीं पाए इनका कनेक्शन क्या था। लेकिन आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गई हो कि क्या कनेक्शन रखते हैं ये सब पोकेमॉन। एंड हाँ, बाय द वे, एम था इस वीडियो को 1K लाइक्स, आई होप आप लोग पूरा कर ही दोगे। एंड या अगर नए हो चैनल पे तब सब्सक्राइब करके जाना। और पिछले पॉकी को इसके विनर्स है द पॉकी ट्यूबर, पॉकी राइस मास्टर, सोरिंग सेप्टाइल, घोस्ट गेमिंग, मिस्टीरियस पॉकी गेमर। और आज का पॉकी क्विज है कि एजी ने किस पॉकीमॉन को वापस जिंदा करने के लिए अल्टीमेट वेपन बनाया था। इसका आंसर दो फटाफट टॉप 5 कमेंट्स जो सबसे पहले करेंगे और सही कमेंट करेंगे उनको मैं इसी तरह फीचर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हम लोग किसी और वीडियो में। अंटिल देन दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।